देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। हैदराबाद में शुक्रवार की सुबह डॉक्टर दिशा के साथ दरिंदगी करने वाले चार आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने ढेर कर दिया और इसके साथ शुरू हो गया देश में जश्न का माहौल। एक पक्ष पुलिस के इस एनकाउंटर का समर्थन करते हुए जश्न मना रहा था, पुलिस वालों पर फूलों की बारिश कर रहा था, कोई उनके पैर छू रहा था तो कोई कंधों पर बैठाकर हवा में उछाल रहा था। महिलाएं भी कहीं पुलिस वालों को मिठाइयां खिला रही थी तो कहीं राखी बांधकर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। जश्न के साथ ही पुलिस वालों के लिए सम्मान और इनामों की भी घोषणा होने लगी। इसी बीच राजस्थान से भी एक वीडियो सामने आया। वीडियो में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने एनकाउंटर की सराहना करते हुए जल्द ही पुलिस टीम को सम्मानित करने की बात कही। जय माता जी की, जय करनी सेना। आज जो हैदराबाद पुलिस ने करके दिखाया, वो हर स्टेट की पुलिस करना शुरू कर दे तो जो 12 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होते हैं उनके लिए फांसी का प्रावधान किया था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे को तैसा हैदराबाद पुलिस ने बहुत बढ़िया एनकाउंटर किया है। वो कैसे किया है, क्यों किया है, किन परिस्थितियों में हुआ, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, पर हैदराबाद पुलिस को करनी सेना सैल्यूट करती है और बहुत जल्दी हैदराबाद पुलिस को करनी सेना सम्मानित करेगी। ये बहुत ही बढ़िया एनकाउंटर हुआ है, ऐसे एनकाउंटर होते रहेंगे तो बहन बेटियां पूरी पूरी रात चाहे खुला घूमना, कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जय माँ भवानी, जय राजपूताना। दरअसल हैदराबाद में 29 नवंबर को एक वेटनरी डॉक्टर का अपहरण कर चार लोगों ने पहले तो सामूहिक दुष्कर्म किया और बड़ी ही दरिंदगी के साथ हत्या कर शव की पहचान छिपाने के लिए उसे जला दिया। हैदराबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिसंबर की रात पुलिस घटना की रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को उनके बताए गए समय अनुसार वहां लेकर गई, जहां उन्होंने अपनी दरिंदगी का परिचय दिया था। पुलिस सुबह आरोपियों को लेकर उस जगह भी पहुंची जहां इन चारों दरिंदों ने डॉक्टर के शव को जलाया था। आरोपियों ने मौके पर पुलिस पर हमला करते हुए उनके हथियार छीने और फायरिंग करने लगे। मजबूरी में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और पुलिस की फायरिंग में चारों दरिंदे ढेर हो गए। सुबह जैसे ही लोगों को डॉक्टर दिशा के दरिंदों के एनकाउंटर के मारे जाने की खबर आई, पूरा देश एक अलग ही तरह के जश्न में डूब गया और चारों ओर से हैदराबाद पुलिस के लिए सम्मान और इनाम की घोषणाएं होने लगी।